Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, थ्री प्लैनेट्स कंजंक्शन में आज हम बात करेंगे सैटर्न, राहु एंड मरकरी की कंजंक्शन के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर ये तीनों प्लैनेट्स आपके लगन चार्ट में किसी एक ही हाउस में इकट्ठे बैठे हों तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सैटर्न का संबंध रिस्पॉन्सिबिलिटी से है एंड रिस्ट्रिक्शन से है, डिसिप्लिन से है, ऑर्गेनाइजेशन से है, फ्रस्ट्रेशन से है, एंग्जाइटी से है, फियर से है और ड्यूटी से है। सैटर्न हमें वो सारी चीजें देता है जिनको हम चाहते नहीं अपनी लाइफ में एक्चुअली। और सैटर्न का संबंध डिले से है, फ्रस्ट्रेशन से है, डिसअपॉइंटमेंट से है, प्रैक्टिकल लाइफ से है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से है और प्रैक्टिकल लर्निंग से है। और राहु एक बहुत ही ऑब्सेसिव एनर्जी है, एक एलियन एनर्जी है। राहु का संबंध छुपी हुई चीजों से है, ये एक इल्यूजन है, स्मोक है। राहु एक बहुत ही छुपा हुआ प्लैनेट है, यह छुपी हुई एनर्जी है। राहु का संबंध ऑनलाइन वर्ल्ड से है, नेटवर्किंग से है, फॉरेन थिंग से है, फॉरेन सिग्निफिकेंस से है, फॉरेन के लोगों से है, फॉरेन के कल्चर से है। और राहु को हम एक चीटर या एक मैनिपुलेटर प्लैनेट की तरह जानते हैं। और राहु में एक ऑब्सेशन है, वेल्थ की ऑब्सेशन, गेन्स की, पोजीशंस की ऑब्सेशन, ग्रीड। राहु से और भी बहुत चीजें हम देखते हैं, ड्रग्स हैं, मेडिसिंस हैं, केमिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है और पॉइजन है, मेडिसिंस के साल्ट हैं, टेक्नोलॉजी है। जितनी भी रिसर्च होती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, वो उसमें राहु का मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है। और मरकरी क्या है? मरकरी हमारी इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन स्किल है, ब्रेन है, लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल माइंड है। और मरकरी का संबंध ट्रेड एंड कॉमर्स से है, कम्युनिकेशन के फील्ड वगैरह से है, कंप्यूटर से है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं उससे है, डाटा से है, एजुकेशन से है, स्टडीज से है। तो अब ये तीनों एनर्जीज एक साथ आ गई। देखिए दोस्तों, ये तीनों एनर्जीज हमें बहुत खराब रिजल्ट्स भी दे सकती हैं और बहुत अच्छे भी दे सकती हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एनर्जीज किस लगन में बनी हुई है, किस लगन के चार्ट में है। अगर ये कंजंक्शन किसी ऐसे लगन के चार्ट में है जहां पर शनि और बुध योग कारक प्लैनेट है, तो ये कंजंक्शन बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकती है हमें। और अगर किसी ऐसे लगन में है जहां पर शनि और बुध मारक हैं, जैसे कैंसर असेंडेंट, तो यहां रिजल्ट्स खराब ही मिलेंगे। क्योंकि किसी भी कंजंक्शन को रीड करने के लिए हमें यह भी देखना पड़ता है कि ये प्लैनेट्स किस घरों से या किस घर से उठ के कंजंक्शन बना रहे हैं। अब जैसे कैंसर असेंडेंट है, कैंसर असेंडेंट में मरकरी जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है और दूसरी राशि मरकरी की 3rd हाउस में है, दोनों ही खराब घर है। ऐसे ही शनि जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड है, 7th और 8th दोनों ही मारक हैं। 8th हाउस तो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ हाउस है। अब अगर कैंसर असेंडेंट में हम इस योग को या इस कंजंक्शन को रीड करेंगे तो इसमें काफी मुश्किलें रहेंगी, काफी प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि राहु भी कैंसर असेंडेंट में अच्छे फल नहीं देता। अब यही कंजंक्शन अगर बुध के किसी चार्ट में है या शनि के किसी लगन में है या बुध के किसी लगन में है
या शुक्र के किसी लग्न में है तो ये अच्छे रिजल्ट्स देगी। दूसरा ये है कि ये कंजंक्शन कितने डिस्टेंस पे बनी हुई है। देखिए इसमें यह देखना पड़ेगा कि राहु ज्यादा मरकरी को इन्फ्लुएंस कर रहा है या शनि कर रहा है, हालांकि दोनों मैलेफिक हैं, लेकिन राहु जब बुध को इन्फ्लुएंस करता है तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आजकल जितनी भी सॉफ्टवेयर के प्रोफेशन है या आईटी के प्रोफेशन है, डाटा एनालिसिस है या लैंग्वेजेस के प्रोफेशन है, ये सब राहु और बुध के सिग्निफिकेंस से ही निकल के आ रहे हैं। और अगर शनि बुध के साथ बैठा है तो हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी, डिले काफी रहेगा और एक संघर्ष के बाद ही हमें सक्सेस मिलेगी, और वो भी जब किसी ऐसे लगन में ये कंजंक्शन बनी हुई है, लगन के किसी भी हाउस में ये कंजंक्शन बनी हुई है जहां पर शनि और बुध दोनों योग कर रहे हैं। और फिर डिग्री को अगर हम देखते हैं तो अगर ये कंजंक्शन 3 डिग्री से थोड़ा दूर है तो इसके अच्छे रिजल्ट्स हमें जरूर मिलेंगे, लेकिन 36 साल के बाद आदमी एस्टैब्लिश होगा। अर्ली लाइफ में ही विल स्ट्रगल, उसको ठीक से बात करने भी नहीं आएगा शुरू शुरू में, टीन एज तक वो स्ट्रगल रहेगा उसका, इवन बात करने के हिसाब से भी अर्ली लाइफ थोड़ी सी यहां स्ट्रगल में निकलेगी, क्योंकि राहु एक इल्यूजिव प्लैनेट है, इल्यूजन वगैरह में दे देता है। फिर यहां पर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस या सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर जिस भी बच्चे के चार्ट में ये कंजंक्शन है वो आईटी या सॉफ्टवेयर की तरफ जाएगा तो ज्यादा उसे सक्सेस मिलेगी, उसकी सेटलमेंट भी बाहर हो सकती है, फॉरेन लैंड पे हो सकती है, और या किसी वो एमएनसी में काम कर सकता है। अगर किसी बिजनेस फैमिली का कोई बच्चा और बिजनेस करना चाहता है तो फिर शनि को जरूर देखना चाहिए। अगर शनि के ही किसी नक्षत्र में ये कंजंक्शन बनी हुई है तो शनि से रिलेटेड बिजनेस करना अच्छा रहेगा। और राहु और बुध अगर नजदीक हैं, शनि दूर बैठे हुए हैं, तो फिर राहु से रिलेटेड भी एक्टिविटीज का बिजनेस या ट्रेडिंग ये कर सकता है इंसान। लेकिन लेटर लाइफ में इसके रिजल्ट्स अच्छे ही मिलने की संभावना है, और 35-36 साल के बाद शनि का इम्पैक्ट कम हो जाता है, डिले वगैरह सब हो चुकी होती है, तो उसके बाद ये इसकी एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी होगी। और लेटर हाफ ऑफ द लाइफ में ही विल बी वेरी एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन, ही विल बी वेरी लॉजिकल, ही विल बी वेरी हार्ड वर्किंग, और इसको कहीं ना कहीं ये दोनों प्लैनेट्स ब्लेस करना शुरू कर देंगे। और अगर इसमें मरकरी बहुत पावरफुल है, अगर मरकरी बहुत पावरफुल है तो भी इसे कहीं ना कहीं आईटी में, सॉफ्टवेयर में, डाटा एनालिसिस में, कंप्यूटर्स में ही जाना अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की एजुकेशन भी यहां से निकलती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो एजुकेशन है वो राहु और बुध की है, और फिर उसके बाद ये कम्युनिकेशन के फील्ड में भी जाके काम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये एमएनसी में या फॉरेन लैंड या फॉरेन कंट्री में भी सेटल हो सकते हैं ऐसे लोग तो। लेकिन इनकी सेटलमेंट थोड़ी सी डिले रहेगी, बिकॉज सैटर्न का इम्पैक्ट रहेगा। और दूसरा, इन लोगों को काम बहुत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क बहुत रहेगा, क्योंकि शनि या हमेशा कहीं ना कहीं राहु और मरकरी के सिग्निफिकेंस को डिलेड फॉर्म में रखता है। और ये आपको देखना पड़ेगा कि ये डिले तब होगा जब शनि का इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है या शनि बहुत नजदीक बैठा हुआ है। अगर शनि दूर है, राहु और बुध नजदीक हैं, तो फिर ये डिले कम रहेगी और 32 साल के बाद भी इंसान अच्छा सेटल हो सकता है। अगर ये कंजंक्शन किसी एक ही नक्षत्र में बनी हुई है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं वेल प्लेस्ड है तो भी यहां पर आपको काफी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इस कंजंक्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंजंक्शन 6, 8, 12 घर में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, क्योंकि एक तो मैलिफिक एनर्जीज हैं और मैलिफिक हाउसेज में मैलिफिक एनर्जीज अच्छा काम करती हैं, यानी कि शनि और बुध की हम बात, शनि और राहु की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, जो बुध है, जो एनालिटिक्स का काम है
या आईटी का काम है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस का काम है, वो एट्थ हाउस से ही निकलता है। एट्थ हाउस बड़ा डीप हाउस है, वहां से ये काम निकलता है और इसलिए वहां भी ये परफॉर्मेंस ऑक्यूपेशन में आपको डेफिनेटली सक्सेस की तरफ ले जाएगी। लेकिन एट्थ हाउस की ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टेकल जरूर रहेंगे अर्ली लाइफ में, लेकिन हाँ आदमी आगे बढ़ेगा। अगर ये 12वें घर में कंजंक्शन बन जाती है तो फॉरेन कंट्री में जाके सेटलमेंट के चांसेस ये कंजंक्शन बनाएगी। और छठा घर तो नौकरी का है ही है, वहां डिस्पाइट ए लॉट ऑफ हार्डशिप, लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, आपको फिर भी ये सक्सेस की तरफ ले जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो काल पुरुष कुंडली में छठा घर बुध का अपना ही होता है, शनि और राहु छठे घर में भी अच्छा काम करवाते हैं। तो ये कंजंक्शन में इसकी यूनिकनेस ये है कि ये आपको छठे आठवें बारहवें में भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, लेकिन इनिशियल ईयर्स में आपको स्ट्रगल ज्यादा रहेगा, ऑब्स्टेकल ज्यादा रहेंगे, प्रॉब्लम ज्यादा रहेंगे, कम्युनिकेशन में भी थोड़ी दिक्कत रहेगी अर्ली ईयर्स में, लेकिन बाद में आदमी बहुत ही अच्छा इस्टेब्लिश हो जाता है और उसके कम्युनिकेशन में एक मैच्योरिटी मिलती है, लॉजिक मिलता है और कहीं ना कहीं आदमी एम्बिशियस होता है। और राहु जो है आपको हमेशा एक क्लेवर और डिप्लोमेटिक बनाता है, जिसमें आप अपने ऑक्यूपेशन में सक्सेस की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे, उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है, और अगर ये कंजंक्शन है तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इट विल गिव यू ए सक्सेसफुल ऑक्यूपेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल डिस्कस अनदर कंजंक्शन टुमारो, एंड टिल देन हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड we'll see you tomorrow then. Thank you very much.